हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निशा, कैसे हो आप सब? सो आज है स्पेशल डे फॉर अस बिकॉज टुडे आवर वेडिंग एनिवर्सरी, 5th ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं आज हमारी शादी को। और सुबह ही मोमेंट फिर से जीने की कोशिश करेंगे आज हम। और अभी जा रही हूँ, बस पूजा हो गई है, मेरा ही नाना हुआ है, अब भी गए हुए हैं, थोड़ा सा सामान लेके आएंगे मार्केट। और हाँ, और दिशान का एग लेके आएंगे। दिशान नहीं दिख रहे हैं वीडियो में और इनको लेके जाना है, अभी नहाना ही करानी है तो इसको लेके जाती हूँ, जब तक मैं नहला देती हूँ इसको। नहीं है ये को नहाना वो, तो इसको नहला देती हूँ, फिर आगे हम भी नहा लेंगे और खाना बनाऊंगी। तो चलिए चलते हैं, इसको फ्री करती हूँ पहले। चलो 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 चलो। तो दिशान अभी नहा रहा है बाथरूम में, अपने टब में आराम से इंजॉय कर रहा है। तो आज बने थे ब्रेकफास्ट में मूंग दाल के चीला, तो उसी का थोड़ा सा ये रखा है बेटा, तो इससे मैं बनाऊंगी अपने लिए एक चीला। मुझे भी भूख लग रही है तो बन जाएगा। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे अब मटर और मशरूम की सब्जी बना रही हूँ, तो उसके लिए ये फ्राई करूँगी पहले, फिर इसकी ग्रेवी बनाऊँगी, उसके बाद मटर मशरूम की सब्जी बनाऊँगी और उसके साथ में अभी तो रोटी बनाऊँगी, शाम को बनाऊँगी जो कुछ बनाना है मुझे। सो अभी ये कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो मटर मशरूम की सब्जी के साथ रोटी रायता यही था लंच में। लंच करने के बाद हम लोग देख रहे थे अपनी शादी की वीडियोस, तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, टाइम काफ़ी हो गया, 3:30 बज चुके हैं अभी। अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में क्योंकि शाम के लिए अभी फूड प्रिपेयर कर लेती हूँ, बहुत टाइम लगता है सब कुछ करने में। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन और रसमलाई बनाऊँगी, मटर पनीर की सब्जी बनाऊँगी और पालक की पूड़ियाँ बनेंगी और बनेंगे मेरा फेवरेट राइस पुलाव, मतलब तो यही सब बनने वाला है आज। सो बस अभी किचन में से आ गई हूँ रूम में और ये देखिए बलून सारे आज हब्बी ने फ्लाए हैं और दिशान ने। सो दिशान हो रहे हैं बिजी और शाम का टाइम भी हो गया है, 5:30 बज गए। अभी बस पूजा करूँगी जल्दी से भगवान जी की पहले। सो किचन से फ्री होने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में, किचन में बस सारा काम हो गया है, पूड़ियाँ बनाना बाकी रह गया है, तो वो जब हम लोग खाना खाएंगे रात को तभी गरम गरम पूड़ियाँ बना लूँगी। और यहाँ पे अभी जो बलून्स हैं ये सब हब्बी ने ही फुलाए थे पंप से, तो वो सब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। अब डेकोरेशन का नंबर आ गया है तो रिबन्स वगैरह लगा के मैंने सोचा इस बार पूरे रूम को डेकोर नहीं करूँगी, सिर्फ एक कॉर्नर को लिया है मैंने, डाइनिंग टेबल के जो अप साइड में है उसको वहाँ पर ही लगा रही हूँ। और भगवान जी के पास लगा दिए हैं कुछ बलून्स, तो बस आज डाइनिंग टेबल और उसके ऊपर का जो एरिया है वही चमकने वाला है इस रूम में सबसे ज़्यादा, तो वहीं पर चल रहा है और हमारा म्यूजिक भी चल रहा है तो हम साथ में इंजॉय भी कर रहे हैं म्यूजिक से, तो दोनों काम हो रहे हैं। और अभी बस यही है, बच्चों के साथ थोड़ा देर में हो पाता है कोई भी काम हो। देखो अभी टेप देखा, अब यहाँ रखती हूँ वहाँ मिलता है, ये सब चल रहा है। सो बलून्स लगाने के बाद मैं अब आ गया है टेबल का नंबर, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे फ्लावर्स मंगा लिए थे अभी से रोज़ के, तो उनके पेटल्स निकाल के उन्हीं से मैं बहुत सारा इस टेबल को डेकोर कर रही हूँ। और यहाँ पर हमारे दिशान बाबू का डांस हो रहा है, सॉन्ग चल रहा है उस पर। तो इस वीक हब्बी की ऑफिशियल लीव भी है तो वो भी घर पे हैं, तो डेकोरेशन वाला जो पार्ट है वो इस बार सरप्राइज नहीं रहा मेरी तरफ से हब्बी के लिए, तो साथ में ही किया है हमने। और ये हो गई है यहाँ पे डेकोरेशन जो किए हैं मैंने वो, और हमारी 5th वेडिंग एनिवर्सरी है इसलिए हमने 5 लगाया हुआ है। और ये देखिए कुछ ऐसे मैंने टेबल पर बनाया हुआ है, ये सब दिशान और मम्मा ने किया है मिल के। तो कैसा लगा आपको? हेलो फ्रेंड्स, सो भी टाइम हो गया है 8 बज गए हाँ, और ये आ गई है केक। सो बस शुरू करने वाले हैं हम केक कटिंग का प्रोग्राम। और आज का जो लुक है साड़ी में ला 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 ला।
सो यहाँ पे दिशान हो रहा है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड केक खाने के लिए, तो जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पे केक कट करेंगे और भगवान जी को खिलाऊंगी, फिर आपको खिलाऊंगी। तो चलिए केक कट कर लेते हैं। सो यहाँ पे केक कट कर रहे हैं हम लोग साथ में, और दिशान बोल रहे हैं नहीं ओनली दिशान करेंगे, मम्मा पापा नहीं ओनली दिशान हैप्पी टूटू करेंगे। सो उसको लग रहा है हैप्पी बर्थडे हो रहा है यहाँ पे। सो चलिए आप भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ में। बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर किया हुआ है। सो ये रहा हमारे शादी के सालगिरह का केक आप सब के लिए। सो इंजॉय कीजिए एंड दिशान को देखिए फुल इंजॉय कर रहे हैं। सो यहाँ पे दिशान पापा का एंजॉयमेंट चल रहा है, तो दिशान खिला रहे हैं अपने पापा को केक। तो अभी केक कट होके आया और देखो मम्मी लेके आए हैं मेरे लिए। अरे गिफ्ट को दिखाई याद आ गए। से यहाँ पे अभी गिफ्ट लेके आ गए हैं, मैं तो भूल ही गई थी। तो फिर अभी हम लोग गिफ्ट दे रहे हैं एक दूसरे को, और दिशान को तो उस गिफ्ट के पीछे पड़ जाना एक्साइटेड हो रहा है, ओपन करना है उसे, देखना है उसके इनसाइड क्या निकलेगा। सो यहाँ पे ये दिया है अभी ने मुझे, और मैंने दिया है अभी को वो। तो अभी पहनाएंगे मुझे ये रिंग, उन्होंने मुझे ये गोल्ड रिंग दी है और मैंने उनके लिए शर्ट दी है। तो यहाँ पे अभी ने मुझे रिंग पहना दी है, और जैसी नॉर्थ साइड में बड़ी बड़ी पहनते हैं वैसी ही मंगाई थी मैंने अभी से, क्योंकि छोटी छोटी बहुत सारी हैं मेरे पास में इसलिए। सो ये हो गया है मेरा गिफ्ट, और अभी को जो दिया है उसे ओपन करने लग रहे हैं दोनों। तो दोनों गिफ्ट ओपन करने में लगे पड़े हैं अभी। तो तब तक मैं दिखाती हूँ इसकी डिज़ाइन कुछ ऐसी है, मेरे पास छोटी छोटी तो थी तो इसलिए अभी ये लाए हैं। सो मैंने गिफ्ट में ये वाली शर्ट दी है अभी को, कैसी लग रही है आप बताइएगा। सो बस अभी आ गई हूँ किचन में, पूड़ियाँ सेकनी है, पूड़ियाँ सेक के ले जाऊँगी फिर आपको खिलाऊंगी और हम भी खाएंगे। सो चलिए अभी मैं जल्दी जल्दी से पहले पूड़ियाँ बना लेती हूँ। खाना हो गया है तैयार, आप भी आ जाइए खाने के लिए। ये है मटर पनीर, और इसमें है ब्लैक ब्राउन गुलाब जामुन, और ये रही रबड़ी, और ये रही पूड़ियाँ, और ये रहा पुलाव। सो आज यही बना है हमारी शादी की सालगिरह की खुशी में। सो कैसा लग रहा है आपको, आप भी आ जाइए हमारे साथ खाने के लिए। खाना खाने के बाद में मैं आ गई थी किचन में, डिश वॉश करना था, किचन क्लीन करना था वो करने के लिए। सो अभी पूरा किचन अच्छे से क्लीन कर दिया है, डिश वॉश हो गया है, और इसमें दिशान के लिए मिल्क हॉट हो रहा है, अभी पिलाऊंगी, वो सोने से पहले पीता है, और टाइम भी बहुत हो चुका है, 10:30 बज चुके हैं। और इसमें बन रहा है जिंजर टी, तो जिंजर टी अभी हब्बी को दूंगी और थोड़ा सा मैं खुद भी पीऊँगी, बॉडी को रिफ्रेश करने के लिए, बहुत ऑयली फूड खा लिया ना तो इसलिए। सो बस यही सब हुआ आज। और मैंने हब्बी को गिफ्ट दिया था वो साइट में ना, थोड़ा छोटा बेटा है उनको, तो देखती हूँ कल एक्सचेंज हो जाएगा तो फिर से एक्सचेंज करके वही कलर में लार्ज, मतलब साइज लार्ज लेके आना है। तो बताइएगा आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो, अदरवाइज मत कीजिएगा, बस देख के चले जाइएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, आई लव यू।